नमस्कार। दिवाली अभी तो आ रहे हैं दोस्तों, तो हमने इसमें सोचे कि अभी तो सब फैमिली एक साथ में रहेंगे, तो चलिए कि स्नैक्स इसमें बनाएंगे जो इवनिंग को आपको खाने के लिए बहुत मज़ा आ जाएगा। इसके साथ चटनी और तो और मज़ा आएगा। मैं चटनी नहीं बनाया, मेरे की रेसिपी में चटनी ऑलरेडी अवेलेबल है और आपको ये बहुत मज़ा आ जाएगा और क्रिस्पी भी रहेगा। बस छोटा से लेके बूढ़ा तक खाने के लिए सब लोग खा सकते हैं। ऐसे ही स्नैक्स बनाएंगे, थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा क्रिस्पी। चलिए शुरुआत करेंगे दिवाली का एक स्नैक्स फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। मैं राइस पाउडर लिया है। आप घर में होगा तो जो राइस नॉर्मल राइस इसको अच्छे से ग्राइंडिंग कर सकेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक, 1 स्पून नमक ऐड किया है और मैं घी ऐड किया है, तेल ऐड नहीं किया है। आप घी इसमें 3 से 4 स्पून इसमें ऐड कर सकेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, राइस पाउडर और घी और नमक अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं साबूदाना डाला है। 3 घंटे से लेकर 4 घंटे साबूदाना को भिगा के रखा था और मूंग दाल वो भी भिगा के रखा था 3 से 4 घंटा। अच्छे से इसमें डाल दिए। अभी इसमें अदरक और ग्रीन चिली इसमें थोड़ा सा कूट के डाले मैं, और कसूरी मेथी थोड़ा सा डाला और लाल मिर्च डाला और थोड़ा अजवाइन इसको थोड़ा सा हाथ में रफ करके इसमें ऐड किया है, और इसमें हरा वाला धनिया पत्ता। अभी क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे, राइस पाउडर और इसमें और अच्छे से मिला देंगे। आप चाहिए तो कड़ी पत्ती भी थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर सकेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए पूरा मिक्स हो जाएगा ना, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे। ठंडा पानी नहीं लेंगे, गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे, जैसे हम हाथ में मेंटेन कर सकते हैं इतना गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा, थोड़ा सा एक ये में 1-2 स्पून लिया हुआ गेहूं का आटा। अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमारा हो चुका। अभी इसको 10 मिनट इसको छोड़ लेंगे। 10 मिनट के बाद में हम छोटा छोटा बॉल बनाएंगे। अभी 10 मिनट होने के बाद में अच्छे से इसको थोड़ा सा और थोड़ा मिक्स कर लेंगे, जैसा हम रोटी बनाते हैं ना सेम प्रोसेस में करेंगे, और इसको छोटा छोटा बॉल बनाएंगे। बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा बनाएंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत आपको मज़ा आ जाएगा, और इसमें चटनी के साथ और पुदीने का चटनी नहीं तो टमाटर सॉस बहुत अच्छा लगेगा खाने के लिए दोस्त लोग। अभी दिवाली का सीजन भी चालू है, और नहीं सीजन तो आने वाला है, तो इसमें फैमिली लोग घर में सब एक साथ में रहते हैं, थोड़ा सा चटपटा थोड़ा सा मज़ेदार हो जाएगा तो मज़ा आ जाता है खाने के लिए। और अभी बटर पेपर लिया मैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के अभी जो बॉल बनाया था मैं, इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको गोल गोल आकार में बॉल बना लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त लोग जब भी हम घर में सब लोग रहते हैं ना इवनिंग के टाइम में, थोड़ा सा भूख लगते है क्यों ना, हमें दोपहर को खाना खाते हैं और शाम को हो गया तो थोड़ा भूख लगते है, तो हमको चाहिए थोड़ा सा चटपटा मज़ेदार फ्रूट्स या स्नैक्स, जैसा बच्चा भी एंजॉय कर सकेंगे और बुढ़ा भी एंजॉय कर सकेंगे, ज़्यादा एज वाला कम एज वाला भी एंजॉय कर सकेंगे। अभी दिवाली में तो हर घर में अभी थोड़ा सा चटपटा बनता है। अभी देखिए दोस्तों, हमें बटर पेपर में ऐड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, प्लेट में अच्छे से प्रेस करेंगे। इसको पतला से रखेंगे, मोटा नहीं रखेंगे, पतला पतला कर देंगे। पतला करेगा तो पापड़ा टाइप का मज़ा आ जाएगा, और इसमें मोटा रखेंगे ना थोड़ा सा थिकनेस मोटा रहेगा तो अंदर का पकेगा नहीं और खाने के लिए भी इतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा, तो इसको पतला बनाएंगे। देखिए दोस्त, ये हमारा गरम तेल हुआ है, और तेल जो है ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं करेंगे, मीडियम टेम्परेचर में इसमें ऐड करेंगे, और मीडियम में ही इसको पकाएंगे, मीडियम स्लो, हाई गैस नहीं करेंगे। टेम्परेचर भी ज़्यादा ऑयल का नहीं रखेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ऊपर का लाल आ जाएगा, अंदर का कच्चा रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब इसको भी निकाल देंगे, बाकी जो है सेम प्रोसेस में करके निकाल देंगे। देखिए हमारा क्रिस्पी एक चटपटा रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। देखिए इसको साउंड भी आता है, और देखिए ये हमारा एक ही पापड़ा टाइप का किया है, और इसमें राइस पापड़ डाला था, आपको पता है कि क्रिस्पी तो रहेगा।